तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले दो दो फोन के बारे में, एक हो गया रेडमी K20 पर, दूसरा हो गया ओप्पो रेनो 2। हाँ दोस्तों, ये दोनों फोन के बीच में आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दोनों फोन का जो प्राइस डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो ओप्पो रेनो 2 है ना, उसका प्राइस 37,000 रुपया है और 28,000 रुपये से आपका K20 पर का प्राइस शुरू होता है। दोनों फोन का प्राइस डिफरेंस बहुत ही अंतर है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेडमी K20 पर बहुत एक अच्छे फोन है, बहुत एक बेहतर फोन है। मतलब कम प्राइस के अंदर K20 पर में हम लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में ओप्पो रेनो 2 का प्राइस 36,000 37,000 रुपये होने वाला है। तो ऐसे में बात निकाल के याद आई कि भाई दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे अच्छे फोन है, दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे वैल्यू फॉर मनी फोन होने वाला है। मतलब आपको K20 पर ही खरीदना चाहिए या 6,000 7,000 8,000 9,000 रुपये ज़्यादा देकर आपको ओप्पो रेनो 2 खरीदना चाहिए, उसके बारे में दोस्तों अभी हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आपको अगर जानना है कि K20 Pro और Reno 2 दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे बेहतर होने वाला है, दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, ये सारा चीज़ दोस्तों अगर आपको जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेगा। इसमें कहा कि आप जब आराम से जान पाएंगे कि दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है और दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे अच्छे फोन होने वाला है। मतलब दोस्तों अगर आपको जानना है कि जो कम प्राइस वाले फोन होता है, जो कम प्राइस वाले अच्छे फोन होता है, क्या वो ज़्यादा पैसे वाले फोन को ज़्यादा प्राइस वाले फोन को टक्कर दे सकता है कि नहीं सकता है, उसको बीट कर सकता है कि नहीं सकता है, सारी चीज़ दोस्तों अगर आपको जानना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहेगा। इसमें कहा कि आप जब आराम से जान पाएंगे कि दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में लोग कंपैरिजन करने वाले ओप्पो रेनो 2 को रेडमी K20 प्रो के साथ, और जानेंगे दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर होने वाला है। तो दोस्तों बातें कर लेते हैं दोनों फोन के डिजाइन के बारे में। तो जहाँ तक होता है डिजाइन की, तो सबसे पहले बातें करेंगे ओप्पो रेनो 2 के बारे में। दोस्तों रेनो 2 में हम लोगों को देखने को मिलता है ग्लास बॉडी डिजाइन, मतलब इसमें जो बॉडी और ग्लास का बना हुआ है, साथ में उनका डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन, और इस फोन का पीछे तरफ भी ग्लास आपको देखने को मिलता है, लेकिन पीछे तरफ भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में इस फोन का पीछे में आपको जो है चार चार कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में चारों कैमरा को जो ऊपर तरफ मिडिल में से बॉडी के लिए फिक्स करा गया है, और कैमरा के बगल में राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा फ्लैश। और दोस्तों इस फोन का पीछे में आपको किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस फोन आपको देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ऐसे में उनका पीछे में जो कैमरा सेटअप है, उसके नीचे आपको बॉडी के लिए लंबा सा ऐसे जो है ओप्पो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, जिसमें से जो है लाइट रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों फोन का जो लुक है ना और भी ज्यादा निखर के सामने आ रहा है, जिसकी वजह से फोन जो है और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। साथ में पीछे में आपको जैसे कर्व एजेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें पीछे तरफ जो एजेस है वैसे कर्व है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों ये बातें कर लेते हैं इसमें सामने तरफ की। तो जहां तक बता सामने तरफ की, तो इस फोन का सामने में आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एक फुल व्यू डिस्प्ले होने वाला है। मतलब इस फोन का डिस्प्ले में आपको किसी भी तरह का नॉच, किसी भी तरह का वाटर ड्रॉप, किसी भी तरह का पांच होल देखने को नहीं मिलता है, इस फोन को मिलता है पूरे के पूरा फुल व्यू डिस्प्ले, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और साथ में इस फोन को देखने को मिलता है शार्क फिन सेल्फी कैमरा, मतलब जैसे कि हम लोग को ओप्पो रेनो में देखने को मिल गया था, सेम टू इस फोन में भी आपको जो है शार्क फिन सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और कैमरे का बगल में जो आपको एक फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों बातें कर लेते हैं K20 Pro के बारे में। दोस्तों K20 Pro में आपको जो ग्लास बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है, मतलब इस फोन का जो बॉडी वो भी ग्लास का बना हुआ है। तो ऐसे में इस फोन का भी आगे पीछे दोनों तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में इस फोन का पीछे तरफ आपको दो दो कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, और साथ में पीछे तरफ आपको तीन कैमरा और एक एलईडी फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे में तीनों कैमरा और एलईडी फ्लैश को ऊपर तरफ मिडिल में ऐसे बॉडी के लिए फिक्स करा गया है, और इस फोन का पीछे में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस फोन में आपको मिल जा रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो वे बात कर लेते हैं सामने तरफ की। तो जहां तक बात रहा सामने तरफ की, तो इस फोन का सामने तरफ आपको 6.39 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि एक फुल व्यू डिस्प्ले होने वाला है। मतलब दोस्तों इस फोन का डिस्प्ले में ना ही आपको कोई नॉच देखने को मिलेगा, ना ही कोई वाटर ड्रॉप देखने को मिलेगा, ना ही कोई पांच होल देखने को मिलेगा। मतलब इस फोन में आपको मिल जा रहा है फुल व्यू डिस्प्ले, और साथ में इस फोन में आपको मिल जा रहा है पॉपअप सेल्फी कैमरा। मतलब दोस्तों इस फोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ऐसे में जहाँ तक बात रहा ओवरऑल लुकिंग की, तो आपको मैं बताना चाहूँगा फोन बहुत ही अच्छे दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का दिख रहा है। तो ऐसे में ओवरऑल जहाँ तक बात रहा दोनों फोन का डिजाइन की, दोस्तों दोनों ही फोन बहुत अच्छे दिख रहा है, दोनों ही फोन बहुत ही बेहतर दिख रहा है, दोनों ही फोन में आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलता है, और दोनों ही फोन का आगे भी आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जहाँ तक बात रहा दोनों फोन का डिजाइन की, दोस्तों दोनों ही फोन बेहतर है, दोनों ही फोन अच्छा है, यहाँ कोई विनर नहीं है, दोनों ही फोन दोस्तों विनर साबित होता है डिजाइन के मामले, क्योंकि दोनों ही फोन आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाता है, और दोनों ही फोन दोस्तों लुकिंग मामले बहुत अच्छे दिख रहा है। तो दोस्तों बातें कर लेते दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो जहाँ तक होता डिस्प्ले की, तो सबसे पहले बातें करेंगे ओप्पो रेनो 2 के बारे में। तो दोस्तों जहाँ तक होता रेनो 2 की, दोस्तों इस फोन को 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि फुल व्यू डिस्प्ले होने वाला है। और इस फोन का जो डिस्प्ले है, इसमें आपको फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और साथ में इस फोन का जो डिस्प्ले है, वो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, और इस फोन का डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन का डिस्प्ले में आपको जो है गोरिल्ला ग्लास 6 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। दोस्तों बातें कर लेते K20 Pro के डिस्प्ले के बारे में। तो जहाँ तक बता K20 Pro की, तो इस फोन में आपको 6.39 इंच का एक फुल व्यू डिस्प्ले देखने को
को मिल जा रहा है। तो साथ में इस फोन का जो डिस्प्ले है उसमें आपको FHD प्लस के रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, और इस फोन का जो डिस्प्ले है वो एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, और इस फोन का डिस्प्ले आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें जहाँ तक बात रहा ओवरऑल दोनों फोन का डिस्प्ले की, तो देखिए जो रेनो 2 है ना उसका डिस्प्ले थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिलेगा रेडमी K20 प्रो से, थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, और रेडमी K20 प्रो आपको गोले ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन जहाँ तक बात रहा ओप्पो रेनो 2 की, दोस्तों रेनो 2 में आपका रेनो 2 के डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है गोले ग्लास 6 का प्रोटेक्शन, और जो रेनो 2 है इसका जो डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और रेडमी K20 प्रो का जो डिस्प्ले है एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। तो यार डिस्प्ले के मामले में अगर ओवरऑल सारी चीज़ मिला के देखा जाए तो आपको यहाँ जो रेनो 2 का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन रियल लाइफ में आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है, मतलब रियल लाइफ में नॉर्मल यूज में आपको जो एमोलेड सुपर एमोलेड में पता नहीं चलने वाला है। तो इसमें दोनों फोन का डिस्प्ले बहुत अच्छे होने वाला है, दोनों फोन का डिस्प्ले बहुत बेहतर होने वाला है, लेकिन सुपर एमोलेड होने की वजह से आपका जो ओप्पो रेनो 2 है उसका डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतर है रेडमी K20 प्रो के मुकाबले में। तो दोस्तों बातें कर लेते हैं दोनों फोन के पावर के बारे में, मतलब दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में कि दोनों फोन में क्या प्रोसेसर यूज किया गया है उसके बारे में। तो जहाँ तक बात रहा प्रोसेसर की, तो सबसे पहले बातें करेंगे ओप्पो रेनो 2 के बारे में। दोस्तों जहाँ तक बात रहा ओप्पो रेनो 2 के, दोस्तों इसमें इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। साथ में आपको देखने को मिलता है एडिनो 618 GPU। दोस्तों बातें कर लेते हैं रेडमी K20 प्रो के बारे में। दोस्तों जहाँ तक बात रहा रेडमी K20 प्रो, इसमें आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का सबसे ताकतवर प्रोसेसर, मतलब वेलकम स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। और जहाँ तक बात रहा जीपीयू की, तो इसमें आपको एडिनो 640 GPU देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो इसमें जहाँ तक बात रहा दोनों फोन का प्रोसेसर की, दोस्तों दोनों फोन का प्रोसेसर बहुत ही बेहतर होने वाला है, दोनों फोन का प्रोसेसर बहुत ही अच्छे होने वाला है, मतलब दोनों ही फोन में आप जो पबजी वगैरह पूरा भरपूर खेल पाएंगे, एचडी सेटिंग में खेल पाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है स्पीड की, तो यहाँ ऑफकोर्स K20 प्रो का जो प्रोसेसर है ये दोस्तों ज़्यादा सबसे फास्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में देखिए अगर स्पीड का बात करें तो यहाँ ऑफकोर्स आपको रेडमी K20 प्रो का जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा फास्ट है, लेकिन 730 भी खराब नहीं, इसका स्पीड तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल स्पीड का बात करें तो आपको K20 पर आगे निकल जाता है। दोनों फोन का जो अंतुतु स्कोर उसमें आपको बहुत अंतर देखने को मिला है, K20 पर का अंतुतु स्कोर बहुत ज्यादा है। मतलब दोस्तों आपको अगर परफॉर्मेंस में कंप्रोमाइज नहीं करना है, आपको चाहिए पूरा भरपूर परफॉर्मेंस, आपको चाहिए पूरा ताकतवर प्रोसेसर, तो ऐसे में आपको जो है K20 पर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है सबसे ताकतवर प्रोसेसर होने वाला है। स्नैपड्रैगन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर K20 पर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन जो आपका ओप्पो रेनो 2 है इसका प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, इसका प्रोसेसर आपको निराश नहीं करेगा, इसका प्रोसेसर भी ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे कई गुना बेहतर होने वाला है K20 पर के प्रोसेसर। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों फोन कैमरा के बारे में। तो जहां तक बात रहा कैमरे के, तो सबसे पहले बातें करेंगे ओप्पो रेनो 2 के बारे में। दोस्तों रेनो 2 के पीछे तरफ आपको चार चार कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक हो गया 48 मेगापिक्सल का, दूसरा हो गया आपका 8 मेगापिक्सल का, तीसरा हो गया 13 मेगापिक्सल का, चौथा हो गया आपका 2 मेगापिक्सल का। तो ऐसे में जो 48 MP वाला कैमरा है उसमें आपको f/1.7 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। साथ में आपको देखने को मिलता है सोनी का IMX586 कैमरा सेंसर, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और जो 8 MP वाला कैमरा है वो एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलता है f/2.2 का एपर्चर, जिसकी वजह से आप जो है 116 डिग्री तक फोटो खींच सकते हैं। और जो 13 MP वाला कैमरा है वो एक टेलीफोटो लेंस होने वाला है, जिसका मदद से आप जो है 5x तक हाइब्रिड जूम और 20x तक डिजिटल जूम कर पाएंगे। और जो 2 MP वाला कैमरा है वो एक मोनोलेंस होने वाला है। तो दोस्तों अभी बातें कर रहे थे K20 प्रो के कैमरा के बारे में। तो जहां तक बात रहे K20 प्रो के, इस फोन का पीछे में आपको 3 दिन कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक हो गया 48 मेगापिक्सल का, दूसरा हो गया 8 मेगापिक्सल का, तीसरा हो गया 13 मेगापिक्सल का। ऐसे में जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है उसमें आपको f/1.75 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, और साथ में इसमें आपको सोनी का IMX586 कैमरा सेंसर भी देखने को मिल जा रहा है। और जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो एक टेलीफोटो लेंस होने वाला है, और जो 13 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होने वाला है। तो इसमें जहाँ तक बात रहा ओवरऑल दोनों फोन का कैमरा फोन, तो दोनों फोन का कैमरा फोन बहुत ही बेहतर होने वाला है, दोनों फोन का कैमरा फोन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोनों फोन में आपको जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, दोनों फोन का जो मेन कैमरा है उसमें आपको सेम सेंसर, मतलब सोनी का IMX586 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जहाँ तक बात रहा दोनों फोन का इमेज क्वालिटी दोस्तों लगभग सेम होने वाला है, थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो इमेज क्वालिटी दोनों फोन का सेम होने वाला है। लेकिन जो आपका ओप्पो रेनो 2 है उसमें क्या है कि दोस्तों 20x का जो जूम है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि रेडमी K20 पर में ये चीज़ नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक बात रहा इमेज क्वालिटी का, तो दोनों फोन की इमेज क्वालिटी लगभग सेम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में आप अगर मतलब जूम वगैरह ज़्यादा करते रहते तो ऐसे में आपको रेनो 2 के साथ जाना चाहिए। आपको अगर मतलब फोटो में जूम करने का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है तो इसे रेनो 2 के साथ जाना चाहिए, इसमें आपको जो है 20x जूम का ऑप्शन दिया गया है। बाद में दोनों फोन का जो इमेज क्वालिटी दोस्तों वो आपको बेहतर देखने को मिल जाएगा, एकदम सेम देखने को मिल जाएगा इमेज क्वालिटी, थोड़ा बहुत के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इमेज क्वालिटी सेम होने वाला है। लेकिन यहाँ जो आपको जो जूम का ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जा रहा है रेनो 2 में, बाद बाकी दोनों फोन का इमेज क्वालिटी दोस्तों सेम होने वाला है, बेहतर होने वाला है। दोनों फोन का कैमरा दोस्तों बिल्कुल आपको निराश नहीं करेगा, दोनों फोन का कैमरा दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों बातें कर लेते हैं दोनों फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। तो जहाँ तक बात रहा सेल्फी कैमरे की, तो सबसे पहले बातें करेंगे ओप्पो रेनो 2 के बारे में। दोस्तों रेनो 2 में आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिसमें आपको देखने को मिलता है f/2.0 का एपर्चर। साथ में इसमें सेल्फी कैमरा आपको तरह तरह के मोड देखने को मिल जाएगा, पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड, बहुत सारे मोड देखने को मिल जाएगा, जिसके वजह से आप जो है तरह तरह के फोटो खींच सकते हैं। तो दोस्तों बातें कर लेते हैं K20 प्रो के बारे में।
दोस्तों जहाँ तक बताया K20 पर एक इसमें आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। और दोस्तों इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है पॉपअप होकर बाहर आता है जैसे कि आपको पता है, और जो पॉपअप मैकेनिज्म है ना, मतलब इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है उसको वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट भी दोस्तों बनाया गया है। मतलब जैसे पॉपअप होकर बाहर आएगा ना तो हो सकता है कि फोन के बॉडी के साथ टच होकर, मतलब पॉपअप होते समय बॉडी के साथ टच होकर कैमरा में कुछ स्क्रेच वगैरह आ जाए या कुछ धूल मिट्टी लग जाए, इसलिए दोस्तों इस फोन का जो पॉपअप वाले कैमरा है उसको वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया है। तो इसमें जहाँ तक बात रहा दोनों फोन का सेल्फी कैमरा है कि दोस्तों दोनों फोन का सेल्फी कैमरा बहुत ही बेहतर होने वाला है, दोनों फोन का सेल्फी कैमरा बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोनों फोन का सेल्फी कैमरा आपको पोर्ट्रेट मोड, ब्यूटी मोड, ऐसा मोड देखने को मिल जाता है जिसके वजह से आप जो है अच्छा से सेल्फी ले सकते हैं। लेकिन ये K20 Pro का सेल्फी कैमरा उसमें आपको ज़्यादा मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, इसमें इस फोन का जो सेल्फी कैमरा का फोटो है उसमें थोड़ा सा डिटेल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि इस फोन का जो सेल्फी कैमरा इसमें आपको जो मेगापिक्सल क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक बात रहा ओप्पो रेनो 2 की, तो इस फोन का जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों ये भी कमाल का होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। साथ में जो ओप्पो रेनो 2 है इसमें आपको सेल्फी फ्लैश देखने को मिल जा रहा है क्योंकि जो शार्क फिन सेल्फी कैमरा इसमें आपको मिल रहा है तो कैमरा का हिस्सा है ना, कैमरा का जो सेल्फी कैमरा का जो हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पर आपको फ्लैश बैठने का भी जगह दिया गया है, सामने थोड़ा फ्लैश देखने को मिल जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोस्तों आप जो लो लाइट में भी अच्छे फोटो ले पाएंगे, सामने फ्लैश होने की वजह से लो लाइट में आप अच्छे फोटो ले पाएंगे। लेकिन ओवरऑल जहाँ तक पता दोनों फोन का कैमरा क्वालिटी, मतलब सेल्फी कैमरा का क्वालिटी दोस्तों दोनों फोन का सेल्फी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेहतर होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। सेल्फी के मामले में दोनों फोन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों बातें कर लो दोनों फोन के बैटरी के बारे में, तो जहाँ तक बता बैटरी की तो सबसे पहले बातें करेंगे K20 Pro के बारे में। दोस्तों K20 Pro आपको देखने को मिलता है 4000 mAh की बैटरी, साथ में आपको देखने को मिल जाता है USB Type-C, और साथ में इस फोन के अंदर में मतलब इस फोन बॉक्स के अंदर में आपको 18 वाट के फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत एक अच्छी बात है। बात भाई K20 Pro जो है आपका 27 वाट के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अभी बातें कर लेते हैं ओप्पो रेनो 2 के बारे में। दोस्तों ओप्पो रेनो 2 में आपको देखने को मिलता है 4000 mAh की बैटरी, साथ में इस फोन में आपको USB Type-C देखने को मिल जाता है, और साथ में 20 वाट के फास्ट चार्जर जो है ओप्पो रेनो 2 के जो बॉक्स है उसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो दोस्तों इसमें जहाँ तक बात रहा ओवरऑल दोनों फोन का बैटरी की, तो दोनों फोन आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जा रहा है, दोनों फोन आपको USB Type-C देखने को मिल जा रहा है, दोनों फोन का बॉक्स के अंदर आपको फास्ट चार्जर प्रोवाइड करा जा रहा है। मतलब ओवरऑल जहाँ तक बात रहा दोनों फोन का बैटरी के दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, मतलब बैटरी बैकअप दोनों फोन आपको अच्छे खासा देखने को मिल जाएगा और सिमिलर देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों फोन आपको सेम mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है। तो इसमें जहाँ तक बात रहा दोनों फोन का बैटरी के दोस्तों दोनों फोन का बैटरी भी अच्छे खासा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है बैटरी के मामले में, दोनों फोन यहाँ विनर साबित होता है। तो भी बातें कर लेते दोनों फोन के सिम स्लॉट के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ दोस्तों सिम स्लॉट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बातें करेंगे K20 Pro के बारे में। दोस्तों K20 Pro में आप लोगों को देखने में होता है डुअल सिम स्लॉट, मतलब इस फोन में आप जो खाली 2 सिम कार्ड को लगा सकते हैं, SD कार्ड का लगाने का ऑप्शन K20 Pro में आपको देखने को नहीं मिलता है। मतलब K20 Pro में आप जो SD कार्ड नहीं लगा सकते, खाली 2 सिम लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखिए K20 Pro का जो लोअर वेरियंट है ना उसमें भी आपको 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, मतलब 128 GB का स्टोरेज काफ़ी होता है। तो मेरे ख्याल से 128 GB अगर आपका मोबाइल में है तो आपको SD कार्ड का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आमतौर पर ऐसे होता है क्योंकि 128 GB दोस्तों हमारे लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए शायद इस फोन में जो आपको SD कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है क्योंकि इस फोन में जो है आपको अच्छा खासा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और अभी बात कर लेते हैं ओप्पो रेनो 2 के बारे में। दोस्तों ओप्पो रेनो 2 में आपको जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब रेनो 2 में आप जो SD कार्ड लगा सकते हैं, मतलब सिंगल सिम कार्ड लगा के आप जो SD कार्ड को लगा सकते हैं ओप्पो रेनो 2 में, मतलब ओप्पो रेनो 2 में जो है SD कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे में जहाँ तक बता रहा दोनों फोन का सिम स्लॉट की, तो आपको सीधा जो आपको क्या बोलते हैं इसको ओप्पो रेनो 2 जो है अच्छा साबित होता है क्योंकि ओप्पो रेनो 2 में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, मतलब SD कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन दोस्तों जो K20 Pro है ना उसमें SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन SD कार्ड का जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 128 GB स्टोरेज काफ़ी होता है। तो दोस्तों बातें कर लेते हैं दोनों फोन के OS के बारे में। तो जहाँ तक बता रहा OS की, तो सबसे पहले बातें करेंगे ओप्पो रेनो 2 के बारे में। दोस्तों ओप्पो रेनो 2 में आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन, मतलब एंड्रॉइड 9.0, मतलब एंड्रॉइड पाई जो ओप्पो रेनो 2 में आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कलर OS 6.0 के सपोर्ट। तो ये बातें कर लेते हैं K20 Pro के बारे में। दोस्तों K20 Pro में आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 9.0 जिस फोन में आपको देखने को मिल जाता है, साथ में आपको देखने को मिलता है MIUI 10 के सपोर्ट। तो इसमें जहाँ तक पता दोनों फोन का OS की, तो देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि K20 Pro में थोड़ा बहुत ऐड का सामना आपको करना पड़ेगा, मतलब उतना नहीं जैसे Redmi के फोन में भर भर में ऐड आता है ना, वैसे आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत एकदम नहीं के बराबर एक दो ठो ऐप्स आपको देखने को ऐप्स में आपको जो ऐड देखने को मिल सकता है। कौन वाला ऐप्स में, जो Redmi का जो खुद का ऐप्स होता है ना आपको जैसे फोन के अंदर इंस्टॉल देखने को मिल जाता है शुरू से, Redmi का जो खुद का ऐप्स होता है उसमें आपको कभी कभी एक अच्छा ऐड शो कर सकता है, लेकिन जो आपका शॉर्टकट बार में ऐड शो होता है या जो सेटिंग वेटिंग्स में मतलब अंदर में कहीं भी ऐड शो कर देता है जो फुल स्क्रीन वाला ऐड, वो सब आपको K20 Pro में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब नहीं बार आपको ऐड देखने को मिलेगा, मतलब ऐड के वजह से आप जो है इस फोन में डिस्टर्ब होने वाले नहीं है, है लेकिन बहुत कम ऐड जिस फोन आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बात रहा ओप्पो रेनो 2 के, दोस्तों इस फोन में आपको बिल्कुल ऐड का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको कलर ओएस का सपोर्ट देखने को मिलता है और कलर ओएस में बिल्कुल ऐड का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता जैसे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ दोनों फोन का ओएस बहुत ही अच्छे होने वाला है, बेहतर होने वाला है। तो ऐसे में आपको अगर MIUI अच्छा लगता है तो K20 Pro के साथ जाना है, और आपको अगर कलर ओएस अच्छा लगता है तो दोस्तों यहाँ आपको जो है ओप्पो रेनो 2 के साथ जाना है। बाद दोनों फोन का ओएस बहुत बेहतर होने वाला है और K20 Pro का जो ओएस है दोस्तों आपको
वो आपको उतना ज़्यादा तंग नहीं करने वाला, एयर टॉप को देखना मिलेगा लेकिन दोस्तों उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा कि आप तंग हो जाए। तो दोनों फोन को दोस्तों बढ़िया होने वाला है, यहाँ आपको चॉइस करना है कि आपको मी वाई अच्छा लगता है या आपको कलर वैसे अच्छा लगता है। दोस्तों बातें कर लेते हैं दोनों फोन के प्राइस के बारे में। तो जहाँ तक होता है प्राइस की, तो सबसे पहले बातें करेंगे ओप्पो रेनो 2 के बारे में। दोस्तों रेनो 2 का एक ही वेरियंट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, वो हो गया 8 GB RAM 256 GB स्टोरेज। तो 8 GB RAM 256 GB स्टोरेज वाला जो वेरियंट, इसका दाम हमारे इंडिया में रखा गया है 36,990 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 37,000 रुपया। और जहाँ तक बता रहे K20 Pro की, दोस्तों K20 Pro का आपको दो वेरियंट मार्केट में देखने को मिल जाएगा, एक हो गया 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज, दूसरा हो गया 8 GB RAM 256 GB स्टोरेज। तो ऐसे में जो 6 GB 128 GB वाला वेरियंट, उसका दाम हमारे इंडिया में रखा गया है 27,990 रुपया, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 रुपया। और जो 8 GB 256 GB वाला वेरियंट है, उसका दाम हमारे इंडिया में रखा गया है 30,990 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 31,000 रुपया। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों फोन का प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा फर्क जो आपको देखने को मिल जाता है दोनों फोन का प्राइस में। मतलब K20 Pro का जो टॉप वेरियंट है ना, उससे 6,000 रुपये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ओप्पो रेनो 2 के प्राइस, और जो K20 Pro का जो बेस वेरियंट है, उससे जो 9,000 रुपये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ओप्पो रेनो 2 के प्राइस। मतलब दोस्तों दोनों फोन का जो प्राइस है ना, प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ बात निकाल के आता है कि दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा है, दोनों फोन में से कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों यहाँ जहाँ तक पता दोनों फोन की, तो यह सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन हो गया आपका K20 Pro। क्योंकि देखिए K20 Pro का जो प्रोसेसर है, वो स्नैपड्रैगन का सबसे ताकतवर प्रोसेसर है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का सबसे ताकतवर प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 855 आपको देखने को मिल जा रहा है अभी 28,000 रुपये में, जो कि काबिल तारीफ है, जो कि भाई कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। देखते हो गया प्रोसेसर जो कि आपका बहुत अच्छा है, मतलब जो आपका रेनो 2 है उससे कई गुना बेहतर प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल जा रहा है इतना कम प्राइस में। बाद बाकी जब दोनों ही फोन में आपको ग्लास भी डेन देने को मिल जा रहा है, दोनों ही फोन में आपको 4,000 उसके बैटरी देखने को मिल जा रहा है, तो इतना पैसा हम जो ज़्यादा दे करके ओप्पो रेनो क्यों खरीदें। हाँ, ओप्पो रेनो में आपको कुछ चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है, कुछ चीज़ बेहतर देखने को मिल जाती है। ओप्पो रेनो का जो कैमरा है, उसमें आपको ज़्यादा जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, और ओप्पो रेनो का पीछे में चार चार कैमरे का सेटअप भी दिया हुआ है, और ओप्पो रेनो का जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। लेकिन ये सारी चीज़ के लिए 9,000 रुपये ज़्यादा पे करना मेरे ख्याल से समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन भाई जो एमोलेड डिस्प्ले भी अच्छा डिस्प्ले है, रियल लाइफ में आपको सुपर एमोलेड और एमोलेड में कुछ फर्क पता नहीं चलेगा, यूज़ करते समय आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि कौन सा एमोलेड है कौन सा सुपर एमोलेड है। और जहाँ तक बात रहा भाई कैमरा की, तो हम मान रहे हैं कि ओप्पो रेनो 2 का पीछे में चार चार कैमरा का सेटअप है, 20x जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, हम मान रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए हम 9,000 रुपये ज़्यादा पे करें, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि दोस्तों जो K20 Pro है ना, इसका भी कैमरा बहुत ही अच्छे होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है, झकास होने वाला है। और जहाँ तक बता प्रोसेसर की, जैसे आपको पता है कि K20 Pro का जो प्रोसेसर है ना, सबसे ताकतवर प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक बात रहा ओप्पो रेनो 2 की, तो इस फोन का जो प्रोसेसर है उससे कई गुना फास्ट आपको देखने को मिला K20 Pro का प्रोसेसर। और जहाँ तक बता प्राइस की, तो भाई दोनों फोन का प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ जो है सब चीज़ मिलकर अगर देखा जाती है, साफ तौर पर विनर सबसे ज़्यादा आपका K20 Pro। बात बाकी आप ओप्पो रेनो 2 को भी खरीद सकते हैं, लेकिन फोन का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए सर बातें आपसे करनी थी दोनों फोन के बारे में, मतलब ये था ओप्पो रेनो 2 और K20 Pro के बीच में कंपैरिजन, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, जो कि आपको मैं बोल दिया हूँ। तो ऐसे में आप जो है बड़े आराम से जान गए होंगे कि भाई दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो मेरे ख्याल से भाई अगर दोनों फोन में से कोई एक फोन को खरीदने का मन बना रहा है, तो यह साफ तौर पर आपको जो खरीद लेना चाहिए K20 Pro को, ओप्पो रेनो 2 की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। और प्रोसेसर भी अगर आपको जो K20 Pro में अच्छा देखने को मिल जाता है, तो यह साफ तौर पर विनर समझ जाता है K20 Pro, तो आपको जो K20 Pro को ही खरीद लेना चाहिए मेरे ख्याल से। बात भाई आपको अगर ओप्पो रेनो 2 खरीदना है, भाई आपको कौन रोक सकता है, आप खरीद लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह बातें आपसे करने दोनों फोन के बारे में, जो आपको बता दो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि दूसरी चीज आपको समझने की कोशिश करा, दूसरी चीज आप जो समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई सवाल है दोनों फोन को लेकर, तो प्लीज कमेंट कमेंट करके हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल जवाब देंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगे, जो जानकारी आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज हमारे वीडियो लाइक करेगा, वीडियो को शेयर कर दिया दोस्तों अपने फैमिली के, तो जानकारी इसको उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो जानकारी वाले वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो जानकारी वाले वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बोल मुझे घंटे का आइकन उसको भी कॉल कर लीजिए, जिसमें कहा कि हमारा जो नया नया वीडियो है, हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है, उसका जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जो भी दोस्तों हमारे वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना दोस्तों, फिर शायद एक नया वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।